नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरें। उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। बुखार व संक्रमण रोधी दवाएं 12% तक होगी महंगी, सरकार ने दी अनुमति। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी तो कुछ लोग नाराज होंगे ही, पर एक्शन रुकेगा नहीं। अमृतपाल के सरेंडर की अटकलों के बीच पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 9 अधिकारियों के हुए तबादले। केंद्रीय मंत्री वैष्णव का राहुल गांधी पर वार, बोले राहुल गांधी को संविधान, अदालत और संसद से ऊपर मानते हैं। अप्रैल से यूपीआई भुगतान महंगा होने की खबरों पर एनपीसीआई ने साफ की स्थिति, कहा यह मुफ्त और सुरक्षित बना रहेगा। राष्ट्रगान अपमान मामले में ममता बनर्जी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट का दखल से इनकार। 1 अप्रैल से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल होगा महंगा, 18% तक हुई बढ़ोतरी। एनएसए की बैठक में जमकर गर्जे डोभाल, पाकिस्तान चीन के एनएसए के सामने उठाया आतंकवाद सैनिकों की घुसपैठ का मामला। मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत, तो 24 घंटे में देनी होगी जानकारी, अनचाही कॉल और एसएमएस पर लगेगी रोक। कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर मुहिम छेड़ी, ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ कैंपेन। राहुल गांधी की सजा पर नीतीश चुप, कुशवाहा सम्राट का इतिहास बताया, विपक्षी एकता पर बोले कांग्रेस से देर हुई। राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, बोली त्याग और कठिन तपस्या से होती है उच्च लक्ष्य की प्राप्ति। मोहम्मद फैजल की लक्षद्वीप से सांसदी फिर बहाल, हत्या मामले में दोषी पाए जाने के बाद गई थी सदस्यता। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम पर हमला, खड़गे बोले अपने गिरेबान में झांके, 56 इंच का सीना है तो अडानी पर जेपीसी बिठाइए। सेबी सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने की मिली मंजूरी, ठगे गए निवेशकों को लौटाई जानी है राशि। आयुष्मान भारत 2 की तैयारी, 40 करोड़ नए लोगों को मिलेगा लाभ। बड़ी खबर, G20 की गांधीनगर मीटिंग में जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा, तेजी से गिरते भूजल स्तर पर सदस्य देशों ने जताई चिंता। शिंदे के मंत्री का दावा, ठाकरे सरकार गिराने के लिए 2 साल में हुई 100 से 150 बैठकें, फडणवीस की थी भूमिका। वहीं गृह मंत्री ने 130 करोड़ की आबादी को बताया बहुत बड़ा बाजार, 2025 तक देश बनेगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। कर्नाटक के प्रजाध्वनि यात्रा में 500 के नोट उड़ाते दिखे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार, जेडीयू शिवसेना पहले भ्रष्ट नहीं थी अब हो गई है। नमो ऐप में पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो खोज पाएंगे लोग, एआई से होगा संभव, आया नया फीचर। बसपा में प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं को, अतीक अहमद की पत्नी होगी महापौर पद की प्रत्याशी। दक्षिणी अफ्रीका वेस्टइंडीज मैच में बल्लेबाजों का धमाल, 40 ओवर में बने 433 रन, विंडीज के नाम सीरीज। बड़ी खबर, सीएम बघेल का पड़ा दांव, 20 क्विंटल धान खरीद के बूते, दोबारा सत्ता में लौटने की तैयारी। गोल्डी बराट नहीं भेजा था धमकी भरा ईमेल, मुंबई पुलिस ने ब्रिटिश सरकार को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सलमान खान को लेकर है मामला। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी, राजनाथ सिंह बोले यूक्रेन युद्ध के बाद समझी दुनिया।
रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान मिल सकता है आराम, बुमराह की जगह दूसरा खिलाड़ी टीम में होगा शामिल। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का अगले महीने होगा उद्घाटन, नितिन गडकरी ने की घोषणा। बड़ी खबर, सवार व 96 सीट पर 10 मई को वोटिंग, रामपुर में सवा साल में चौथा चुनाव, अब्दुल्ला आजम थे एमएलए। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठेगी ममता, टीएमसी सांसद भी करेंगे विरोध प्रदर्शन। यूएस वीजा H1B और L1 वीजा में बदलाव के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक, सांसदों ने किया समर्थन। पुलिस को चकमा देकर पंजाब में घुसा अमृतपाल सिंह, होशियारपुर में अलर्ट। पवार की हिदायत से कांग्रेस बैकफुट पर, सावरकर पर अब साधेगी चुप्पी। ICMR ने कोरोना, इन्फ्लुएंजा ए और बी के अलावा श्वसन तंत्र संबंधी वायरस की हुई पहचान, वायरस वातावरण में मौजूद। मुंबई राज्यपाल बोले, विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन भारत, आज भी पहुंच सकते हैं ऊंचाइयों पर। श्रीनिवास को स्मृति ईरानी का जवाब, शब्द राहुल और संस्कार सोनिया के, कांग्रेस ने किया पलटवार। बड़ी खबर, असम मेघालय के बीच मई तक शुरू हो सकती है बातचीत, सीएम संगमा ने किया इशारा। चित्ते की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, टास्क फोर्स में शामिल विशेषज्ञों की मांगी जानकारी। भाजपा मुख्यालय का विस्तार, पीएम मोदी बोले, दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर, 303 तक पहुंचा। NIA नेपाल में छिपे आरोपियों से जल्द करेगी पूछताछ, नेपाली अधिकारियों को भेजा अनुरोध पत्र, एंटीलिया केस को लेकर है मामला। खुद को पीएमओ अधिकारी बताने वाले ठग किरण की पत्नी भी हुई गिरफ्तार, गंभीर आरोपों में हुई कार्यवाही। दिल्ली में मार्च निकाल रहे कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, पार्टी बोली ये लोकतंत्र की हत्या। अयनस चिल्का पर अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड, नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने की समीक्षा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की दो टूक जिम्मेदार, देश हमारे विकास को नहीं रोक सकते, भूपेंद्र यादव ने कही बड़ी बात। सावरकर विवाद पर नायडू ने साधा निशाना, कहा उनके बलिदान से अनभिज्ञ लोग उनका नाम बदनाम कर रहे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वायुसेना स्टेशन जोरहाट का किया दौरा। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हेड स्पीच का त्याग मौलिक जरूरत, शीर्ष कोर्ट की अहम टिप्पणी। असम में मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, परिसीमन पर राजनीतिक दलों संगठनों से चर्चा सार्थक। वहीं प्रवासी श्रमिकों पर हमले की अफवाहों का डेटा केंद्र के पास नहीं, नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया। बड़ी खबर, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं तो MBA छोड़ क्यों नहीं देते, बावन खुले की उद्धव ठाकरे को सलाह। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।